ये हमारी प्लेट्स रेडी हो गई है। अंकल मोमोज भी बताएंगे अब हमको क्या क्या डिश का क्या क्या नाम है। ये है आपका लोकरा, लोकरा जो मेल्टेड चीज में लेस स्पाइसी में है ये। ओके है ना। ओके ये है सांग्रीला। ओके स्पाइसी है सेमी ग्रेवी में। ओके ये मोजा पेपरिका, मोजा पेपरिका ठीक है। और ये है तंदूरी मटका, तंदूरी मटका। और ये साथ में, साथ में आपकी चटनी है चिल्ली की। ओके देन गार्लिक की। ओके देन सूप, सूप आता है साथ में। ये सब मोमोज के साथ आप देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। स्पेशल चटनी है चिल्ली की, ये है गार्लिक की। अच्छा गार्लिक की चटनी, ये मिर्ची की है और ये गार्लिक की है जी। okay. और ये जो चटनी है ये सिर्फ हम ही बनाते हैं। ओके okay. पूरे सूरत में कहीं नहीं। सो गाइस आप जो देख रहे हो ये जो चटनी है ये स्पेशली आपको यहाँ पे मिलेगी, तो यही मोमोज में मुझे लगता है टेस्ट ऐड करती होगी जी। ओके okay. स्वागत है आपका दोस्तों अंकल मोमोज में, जो कि सूरत की एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है मोमोज में। इनके जैसे मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए थे ना, आपने देखे भी होंगे। तो आइए आपको मेकिंग दिखाता हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो ये मोमोज की मेकिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हो स्टार्टिंग कितनी यूनिक हुई है। अच्छा इसको चिकना करने के लिए डाला ऑयल। आपके एरिया में मोमोज ऐसे स्टाइल में आपने कभी खाए हैं कि नहीं भाई, मुझे जरूर बताना। क्योंकि मैं जो ये देख रहा हूँ ना स्क्रीन में, मेरे सामने जो ये बन रहा है तो मेरे लिए काफी नया है। और पहली बार सही बोलो तो मैंने सही में पहली बार ट्राई किया, लेकिन देखने में मजा आ रही तो खाने में भी मजा आने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। ये अपन ने क्या डाला अभी, ये बंसा का मसाला। किसका मसाला? बंसा। और अपना टोटल वेज ही होता है ना यहाँ पे, प्योर वेज। ओके आपका लोकरा। ओके ये दोनों कुक होगा, सेम टाइमिंग है। ये है मटका तंदूरी। ओके ठीक है, ये क्ले है बिल्कुल, तो ये मिट्टी का बर्तन ही कह सकते हो आप उसको। और इसी में ही बनेगा बारबेक्यू। ओके जो कि खाने में भी स्वादिष्ट होगा। ओके अच्छा सब आइटम है आप पहले इसको थोड़ा। हाँ ये एक्चुअली क्या है, हम लोग हीट में इसको जब हीट करेंगे चारकोल में तो ये चिपके ना, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग ऑयल यूज करते हैं। ओके एकदम ऑयली नहीं होता है। ओके जैसे आपने देखा कि मैंने डाल के निकाल दिया जी जी, बस तंदूरी की स्पेशल ग्रेवी है। ओके ये ग्रेवी जाएगी। क्या बात है, ठीक है। ओके देन इसमें जाएगा। ओके ग्रेटेड चीज जाएगा थोड़ा, पेरी पेरी ऐड करेंगे। ओके चिल्ली का मसाला। ओके ये आएगा चिल्ली मसाला। ओके थोड़ा सा धनिया। ओके क्या बात। और जो अपने सब वेज मोमोज ही है ना टोटल, ये प्योर वेज है। ओके जो फिलिंग्स है इसके अंदर टोटल वेज की, सारा वेज है इसमें। और इसमें कैसा है, कोई एडिशनल कलर्स नहीं है, कलर यूज नहीं करते हम लोग। ओके प्योरली फ्रेश कर्ड में बनाते हैं मसाला। ओके क्या बात, अरे वाह ये लीजिए जी, वाह वाह वाह। अभी ये आ गया, अभी इसमें मोज़रेला। ओके ठीक है देन जाएगा आपका बारबेक्यू टिया। बारबेक्यू आ गया है रोस्ट होके। ओके क्या बात है गाइस, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। ये
ये आ गया आपका बारबेक्यू। बारबेक्यू ओके, चीज की ग्रेवी गई, आपका साथ धनिया डाल दिया, ओके, फ्रेश अनियन फिर से ऐड कर दिया, अब ये गया आपका स्लाइस चीज। ओके, तो ये जो चीज है ये नीचे से भी मेल्ट और ये जो टॉप है टॉपिंग से भी मेल्ट हो जाएगा। ओके, है ना, थोड़ी सी जालापेनो ऐड कर दी। क्या बात है गाइस, ऐसा मोमोज आपने अभी तक तो नहीं देखा होगा सूरत में, मैं जो आपको अभी दिखा रहा हूँ। और इसको हम रैप अप करेंगे। ओके, ये हो गया रैप। क्या बात, देन अब जाएगा ये चारकोल में हीट करने के लिए। ओके 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 ओके, पाँच मिनट बना रहे हैं हम लोखरा मोमोज। ओके, ये हमारे स्टॉल का सबसे पुराना और स्वादिष्ट, क्या बात है, पीस में से एक है ये। और क्या नाम बोला आपने इसका? इसका लोखरा नाम है। लोखरा, ये मेल्टेड चीज और लेस स्पाइसी में आएगा। ओके, तो वैसे लोखरा का मतलब क्या हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मतलब कुछ नहीं है इसका। ओके, ये सारे नाम जो है ना भूटानी नाम है। अच्छा, भूटानी नेम है। तो कुछ थोड़ा सा यूनिक सा रेसिपीज हमने खुद ही क्रिएट है। ओके, तो क्रिएट किया तो नाम वगैरह जो भी है ओके हमने खुद ही रखा हुआ है, भूटानी नाम है। क्या बात, और इसमें कोई इसका अर्थ नहीं है, जैसे अभी गुलाब जामुन का अभी कोई अर्थ नहीं होता, वैसे इसका भी कोई अर्थ नहीं। ओके, गुलाब जामुन ही नहीं, एक स्वीट डिश है ना। ओके, तो ऐसे ही है ये, तो मेल्टेड चीज जाता है। ओके, देन फिर ये क्रिटेड चीज जाएगा। अच्छा, सूरतीज का मोस्ट फेवरेट चीज। हाँ, सूरतीज का मोस्ट। सो गाइस, जिसको स्क्रीन में आप देख रहे हो यही है हमारे अंकल मोमोज, जिनको आप अंकल मोमोज के नाम से जानते हो। इस तरह से बल्क में बनता है। ओके, ताकि ऑर्डर आने पे फटाफट दे सके, फास्ट सर्विस चाहिए। जी जी, अच्छा टाइमिंग क्या रहती है अंकल यहाँ की? टाइमिंग 5 to 11:30 रहता है। ओके जी, एंड डेली? ये डेली, कोई दिन ऑफ नहीं? नॉर्मली नहीं रहता है। ओके, कभी अगर कभी इमरजेंसी पड़ा ओके ओके तो बंद रखते हैं, अदरवाइज बंद नहीं होता है। ओके ओके, क्या बात है गाइज, आप देख रहे हो चीज कितना भरा हुआ है इसमें, कितना स्मूथ होने वाला खाने में, आप खुद ही इमेजिन कर लो। अभी करते हैं हम। ओके, तो ये अमूल का स्लाइसेस रहेगा इसमें टॉपिंग में। क्या बात गाइस, मैं जानता हूँ आपके मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो आओ फटाफट से अंकल मोमोज में, और अभी तो इसका मेन प्रोसेस तो बाकी है, अभी इसको मेल्ट करेंगे। हाँ, ये स्टीम बेक प्रोसेस बोलते हैं इसको। ओके, असल में ये हिल्स का कुकिंग प्रोसेस है। ये हिल्स का अच्छा, पहाड़ों में लोग पहले क्या करते थे, मसाला ज्यादा खाते नहीं थे। ओके, तो जो बॉइल करके जो खाते थे जी जी, उस प्रोसेस को स्टीम कुक बोलते हैं। अच्छा, वो ज्यादा मसाला यूज नहीं होता है, तेल यूज नहीं होता है। ओके, तो उसी प्रोसेस में इसको बनाया जाता है। क्या बात है, एक्चुअली इसको आजकल ओवन का यूज करते हैं, है ना। ओके, ओवन बेक का यूज करते हैं, बट वो चीज नहीं है, ये स्टीम बेक होगा। ओके, और अपन ने जो अभी चीज के ऊपर डाला वो क्या था? ये मसाला है। ओके, ये होममेड मसाला है हमारा खुद का। ओके, ये प्योरली कर्ड का बनता है। ओके, कर्ड है, कुछ सिलेक्टेड स्पाइसेस है। ओके, जो हम लोग भूटान से लाते हैं। ओके, ये चीजें हैं इसमें। देन ये फिर हलापिनो है। हलापिनो, यहाँ पे गुजराती में इसको अचारी मिर्ची भी बोलते हैं। अचारी मिर्ची, शुगर सॉल्यूशन में रखा हुआ, तो ये चीज है। जी जी, है ना। ओके, अब इसको मेल्ट करेंगे। अभी इसको मेल्ट करेंगे आपने, है ना। ये आपका मोजा पेपरी का रेडी है। ओके, ये लोकरा रेडी है। ओके, और ये नीचे जो है ये सांग्रीला है। अभी एक एक करके हम लोग निकालते हैं इसको। मोजा पेपरी का ठीक है, स्टीम कुक के लिए स्टीम्ड होएगा 5 मिनट में। ओके ठीक है, हब्स वाला। हाँ ठीक है ठीक, ये पेपरी का आ गया। ओके, हब्स का आया था, बाकी था, एक बार ऊपर से हल्का सा मार दो। हाँ, ये आ गया आपका हब्स। ओके ठीक है, फ्रेश ऑनियन। ओके, अब आएगा इसमें मोज़रेला। ओके, मतलब चीज़ जो है वो तीन टाइप की पड़ती है। हाँ जी,
नहीं, इसमें तीन नहीं, दो ही टाइप के पड़ेंगे। ओके okay. इसमें ग्रेटेड चीज पड़ेगा, जो प्रोसेस चीज हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस चीज आएगा, देन फिर ये मोजरेला आएगा। क्या हो गया? ओके okay. निकल गया क्लोकरा। ये आपका है संग्रीला। अभी ये जो है, ये है मोजा पेपरिका, मोजा पेपरिका मोमोज। ये मोजा पेपरिका है। ओके okay. थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर गया। ओके okay. ये आया आपका अलापिनो। इसको हम पेपरिका भी बोलते हैं। हाँ हाँ, समझिए। आप यूरोप में जाओगे तो इसको पेपरिका के नाम से भी जाना जाता जी, है जी। है ना? ओके okay. देन आ गए मोमोज। राइट ओके। अब इसमें आ गया है चीज का ग्रेवी। ओके okay. कुछ ज्यादा नहीं डालेंगे जी जी, हल्का। ठीक है। देन ये आ गई स्पाइसी चिल्ली मसाला। ओके okay. स्पाइसी चिल्ली मसाला, थोड़ा सा ये गार्लिक का okay. मसाला है, फ्रेश कोरिएंडर, फिर से थोड़ा सा पेपरिका ऐड करेंगे हम लोग फ्लेवर के लिए। ये आ गया चीज, कच्चा ऑनियन लेके आओ। तुम निकालेंगे देखिए इस तरह से। ओहो, क्या बात, क्या बात है। ये निकला। ओहो, वाह भाई वाह, स्मेल से ही भूख लग जाएगी गाइस आपको। इसको हम थोड़ा सा फ्लेम का टच दे देंगे। ठीक है। ताक है ना? ओके। क्या बात है। ये आपकी आ गई स्पून। ओके, हो गया आपका रेडी। ठीक, रख दीजिए। क्या बात, इसी हमारी प्लेट्स रेडी हो गई है। अंकल मोमोज ही बताएंगे अब हमको क्या क्या डिश का क्या क्या नाम है, तो यहाँ से शुरू करिए। ये है आपका लोकरा। लोकरा जो मेल्टेड चीज में लेस स्पाइसी में है ये। ओके है ना? ओके। ये है सांग्रीला। ओके। स्पाइसी है, सेमी ग्रेवी में। ओके। ये मोजा पेपरिका। मोजा पेपरिका। ठीक है। और ये है तंदूरी मटका। तंदूरी मटका। और ये साथ में, साथ में आपकी चटनी है चिल्ली की। ओके। देन गार्लिक की। ओके। देन सूप। सूप आता है साथ में, ये सब मोमोज के साथ आप देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बात है। ओके, इसको निकालना है ऐसे। ओके, ये देखिए। क्या बात है। अब इसको डायरेक्ट मतलब पलट देंगे या कैसे रहेगा? नहीं, आप ऐसे धीरे धीरे से ऐसे निकाल के। ओके, ऐसे सीधा। क्या बात है गाइस, ऐसे जो है ऐसे खा सकते हैं। पकता रहेगा, आप एक एक करके निकाल सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, रखिए इसे। ट्राई करेंगे ये वाला चीज, पुलिस से दिखाना इस पे। सर मोमोज तो एक से एक थे, स्पेशली मेरा तंदूरी मटका तो एक नंबर था भाई साहब, इसीलिए मैं आज समझ गया इनके इतने भीड़ क्यों रहते। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने भी यहाँ पे खाया हुआ हो तो। मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया ऐसे मोमोज खा के। और स्पेशली अगर बारिश में भीगने के बाद इसको इन्जॉय करोगे या ठंडी के मौसम में खाओगे तो डबल स्पेशल मज़ा आने वाला है। तो अंकल मोमोज ये आज से नहीं 10 साल से फेमस है, इसीलिए आज मालूम पड़ेगा इसका टेस्ट क्यों इतना फेमस है। और
हाँ रोज नहीं खा सकते आप, लेकिन हाँ भाई साहब मज़ा ज़रूर आने वाला है। इतनी स्पेशल मोमोज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, यही डिलीशियस वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम का नाम दिव्यांशु व्लॉग करके है, उस पे भी आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे भी डिलीशियस वीडियोस और ऑफर वाली वीडियोस आती रहती है लोकल सीरीज की। बाकी मज़ा आ गया देख के। गाइस मोमोज तो है ही है, पर ये जो सूप है ना, इसके आप दीवाने हो जाओगे। सूप तो स्पेशलिटी थी इनकी दोस्तों। ये पिलर मोमोज भी यहाँ पे आपको मिल जाने वाले, काफ़ी वाइड वेराइटीज़ है। लोग मतलब दीवाने हैं, मतलब इनके जो मोमोज है ना भाई साहब, ये ऐसे मोमोज सच बता दो ऐसे ढूंढने भी नहीं मिलते। सो हमेशा ऐसी भीड़ लगी हुई रहती है। अब तो इन्होंने स्विगी जोमेटो पे भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो आप मंगा भी सकते हो अगर सूरत से हो। और अगर सूरत आते हो तो अंकल मोमोज के मोमोज ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। फैमिली फ्रेंड के साथ पार्टीज़ करनी है, कुछ भी करनी, भाई साहब डिलीशियस था, एक नंबर था। पता है वीडियो देख के मज़ा आ गई हो, यहाँ तक आ ही गए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे दिव्यांशु व्लॉग को जरूर फॉलो करो।